रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना जी, आज हमने तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडिकल इक्वेशंस को मैं लिख रहा हूं जी, क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें जी सबसे पहले जो हमारा वर्क होगा वो ये होगा कि आपने जो कांस्टेंट टर्म है इसको सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 इक्वल टू, और ये अगर आप देखें नेगेटिव टू का जो एडिटिव इन्वर्स है वो पॉजिटिव टू होता है, तो यहाँ पर जो हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। और अब यहाँ से चूंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट को खत्म करना है जी, तो यहाँ पर हमें क्यूब लिखना होगा। तो हम लिखेंगे जी टेकिंग टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक। और इसके बाद जी बी डॉट एस में लिख रहा हूँ, बोथ साइड्स का ये एब्रिवेशन है। यहाँ पर जब क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लिखा जाएगा तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 होल क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो हमारे पास रेडिकेंड था जो कि 2x माइनस 4 था ये रह जाएगा, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 का क्यूब जो है ये हमारे पास 8 आ जाता है। और अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं एक्स के लिए, तो हमारे पास कांस्टेंट है इसमें जो कि आप देख सकते हैं जी नेगेटिव 4 है, इसको शिफ्ट किया जाएगा राइट साइड पे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 4। और इसको अगर हम और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2x इक्वल टू 12। और अब आप जो है जी x का जो कॉफिशियंट है वो जो कि 2 है इससे बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 6 के। 2 वन 2 एंड 2 6 12। अब x की ये वैल्यू जो हमारे पास 6 आई है इसको हमने चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा इक्वेशन में, और देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन की हेडिंग बनाई है, और जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैं दोबारा से यहाँ से जी कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, जो कि हमारे पास है जी क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 माइनस 2 और इक्वल टू 0। यहाँ से जी इसको कॉपी कर रहे हैं और ये जी यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें जी इसमें जो हमारे पास जो नंबर है x इक्वल टू 6, इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 6 माइनस 4 माइनस 2 जो कि बाहर स्क्वायर रूट से इक्वल टू 0 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 6 जाए हमारे पास होता है जी 12 और डिफरेंस 4 है, माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसको अगर हम मजीद देखें जी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8, क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2 इक्वल टू 0। और क्यूब रूट ऑफ 8 जो है ये हमारे पास 2 के इक्वल होता है, ये बात हम जानते हैं, 2 डिफरेंस 2 इक्वल टू 0 जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ से ये बात पता चली कि ये x की वैल्यू ये वाकई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन सेट में जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है 6, जो x की वैल्यू उसको हम दर्ज कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया इस रेडिकल इक्वेशन का, जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया।